आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मामा शिवराज जी, ये तस्वीरें आपके ही राज्य की हैं। देखिए ये बच्चा कैसे शराब पीकर बेसुध पड़ा है, और जो बच्चे उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी लगभग नशे में ही हैं। ये तस्वीरें हैं कटनी के बड़वारा ब्लॉक के विधायक कला की। इन बच्चों की उम्र लगभग 10 साल के आसपास होगी, लेकिन शराब की ऐसी लत इन बच्चों को लगी है कि वो बेसुध हुए जा रहे हैं। गाँव के लोग हाथ जोड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि अवैध शराब की फैक्ट्री को बंद किया जाए। ये बच्चे ग्राम विलायत कला के हमारे, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो कच्ची शराब अवैध बिक्री हो रही है मोहल्ले गांव में, उसे बंद किया जाए ताकि आने वाली भविष्य लड़कों का सुधर सके। पीढ़ी नौजवान जो है खराब हो रही है शराब से, तो मेरा अनुरोध है आपसे इसमें जल्द से जल्द मदद करें आप। हैरानी की बात यह है कि इस गांव के स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे शराब पीकर स्कूल जाते हैं। हालांकि स्कूल की टीचर उन्हें समझाते हैं और लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। जिन बच्चों का वीडियो वायरल हुआ वो भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। जी हाँ, वो बच्चे यहाँ पर हैं, दो बच्चे। उस वीडियो को मैंने देखा था तो उसमें दो बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय के अध्ययनरत बच्चे हैं, और वो काफी टाइम से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। बीच में एक आध बार काफ़ी बुलाने पर, जब घर घर जा कर के बुलाया गया तब बच्चा आया भी, पर उसके बाद फिर वो नहीं आया। और नशाखोरी की जो बात आप बता रहे हैं और ये जैसा वीडियो में दिख रहा है, तो ये शिकायत पहले से भी मिलते जा रही है, क्योंकि हमारे गांव विलायत कला में घर घर कच्ची शराब जो बन रही है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि अवैध पैकारी जो चलती है, तो बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर शराब का नशा कर रहे हैं, कच्ची शराब पी रहे हैं और पी करके वो घूम रहे हैं। कई बार तो इतना तक हो जाता है कि बच्चे पिए हुए में विद्यालय आ जाते हैं, तो हमको उनको वापस करना पड़ता है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो स्थानीय विधायक के भी होश उड़ गए, और विधायक विजय राघवेंद ने इस मामले पर दुख जताया है और वादा किया है कि वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे, और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद धरने पर बैठेंगे। इसमें देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि एक घंटा पहले मैंने उस वीडियो को किसी ने मुझे दिखाया है और अभी मेरे संज्ञान में आया है, और ये सच्चाई है कि पूरे क्षेत्र में, कटनी जिले भर की बात नहीं, पूरे क्षेत्र में, मेरे बड़वारा विधानसभा में भी गांव-गांव की जो पैकारियां चल रही हैं इसको बंद कराया जाए। और इससे अभी वो जो वीडियो देखा गया उसमें मुश्किल से 7-8 साल के बच्चे हैं, जिसमें उसको बच्चे को 2-3-4 बच्चे हैं जो उठा के ले जा रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहा है बच्चा। तो ये पैकारी अगर बंद नहीं करी गई तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे यहाँ पर बड़वारा विधानसभा में, कि ये पैकारी पूरे क्षेत्र की बंद होनी चाहिए। और इसको मैं कोशिश करूंगा कि अभी मैं विधानसभा क्वेश्चन भी लगाऊंगा कि गाँव की जो पैकारियां ये बंद करी जाए। आपको बता दें कि इस इलाके में अवैध शराब का कारोबार काफी फैला हुआ है। आए दिन अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस पर भी आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल ये वायरल वीडियो शराब बंदी की मांग कर रही उमा भारती को सही ठहरा रहा है। अगर अवैध शराब पर लगाम नहीं लगाया गया तो एमपी का भविष्य ही खराब हो जाएगा। शायद इस खबर को देख मामा शिवराज अवैध शराब पर रोक के लिए सख्ती करें और उन अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करें जिनकी मिलीभगत से अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। कटनी से अमर तामकार की रिपोर्ट, एमपी तक।